इब्राहिम, मेरी बात सुनिएगा। कैसी हो बेटा? खैरियत है इतनी रात को यहाँ? इब्राहिम से मिलने आई थी मैं, शायद मेरा नेकलेस वैन में गिर गया है। हाँ, यही कहीं होगा, अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहा होगा, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। मुझे ये क्यों लग रहा है कि शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं बेटा? मैं एक मॉडल हूँ दीदम तशकाया, टेलीविजन वगैरह पे देखा होगा मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया मुझे। याद आ गया, तुम वही हो ना मेरी बेटी के बॉस की सबका। अच्छा, आपकी लड़की साटे में काम करती है क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बॉस की असिस्टेंट है मेरी बेटी। मुराद की असिस्टेंट? अच्छा तो आपकी बेटी का नाम चाला है? नहीं चाला नहीं, हयात। हयात की माँ हूँ मैं बेटा। दीदम, खैरियत तो है, यहाँ कैसे आ गई तुम? यार देखो फिर कैसा इत्तफाक हो गया, मुझे लगा मेरा नेकलेस तुम्हारी वैन में गिर गया है शायद उस वक्त, तो मैं इस रोड पर देखा था एक बार, तो तुम्हारी वैन ढूंढने लगी फिर मैं, और तुम्हारी वैन यहाँ नजर आ गई और मैं अंदर चली गई। इब्राहिम। अंदर चली गई वैन के? नहीं यार, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी, यानी नेकलेस ही है ना, बाद में देख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ओ, बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, गुड नाइट, बाय बाय बाय। अम्मी, गर्ल्स, मुझे अचानक बुलाकर सब कहाँ गायब हो गए भाई? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? खैरियत तो है, क्या हो गया है? अम्मी, सब जान गई हूं मैं। खेल खत्म सोना प्रैक्टिस। और लड़की के नाम से नौकरी करने का क्या मतलब है? हाँ, कौन है ये सोना पैक्टिस, कौन है? जॉब करने से पहले मैं उसे जानती तक नहीं थी, बाद में मुलाकात हुई। यानी मिल भी ली उससे और उसे ये सब पता है? इसीलिए तो कह रही हूँ, इस कतर परेशान होने की जरूरत नहीं। ओए अल्लाह, जरा शर्म नहीं आती इसे कह रही है परेशान ना हो? गजब खुदा का, लड़की तुझे पता है तूने क्या किया है? हाँ, क्या इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे मैंने, बता। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो, एक छोटा सा झूठ ही तो बोला है, कयामत तो नहीं आ गई कोई? काश एक छोटा सा झूठ ही होता, लेकिन लड़की जो तूने किया है वो एक जुर्म है, जुर्म, सुन लिया?
ये धोखेबाजी है, फ्रॉड किया है तूने। सोचा भी नहीं कि क्या हाल होगा तेरा अगर मालूम पड़ गया। खामोश क्यों खड़ी है, बोल ना, अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया तूने। जेल होगी तुझे इस फ्रॉड के जुर्म में, क्या करेगी फिर ये बता मुझे। नहीं इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बात क्लियर कर दी। खामोश हो जाओ, तुम लोगों की दी हुई शय है ये, देखो तो क्या हाल कर दिया है इसका। नहले पे दहला, किसी ने रोका भी नहीं। किस लिए करने दिया ये सब कुछ, बोलो। इतने वक्त से तुम दोनों को मालूम था तो मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था एमने आंटी। लो भाई इसका क्या मतलब, सारी गड़बड़ आपके यहाँ आकर मेरा सामान बांधने से शुरू हुई। अगर मुझे ये डरना होता कि नौकरी ना मिलने की वजह से आप मुझे वापस ले जाएंगे तो मैं कभी झूठ ना बोलती। ओह, तो अब ये सब मेरा कसूर हो गया। और क्या, आप ही का कसूर है, आपका और बाबा का ही कसूर है। देख हयात, हड्डियाँ तोड़ दूंगी, बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी, खाल उधेड़ दूंगी तेरी, होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। उधेड़ दे, उधेड़ दे, बाय गॉड कह रही हूँ उधेड़ दे, आपको सुकून मिल जाएगा। निकल जा इस घर से बाहर इसी वक्त, दूर हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा यहाँ से। ओह ओह ओह, कहाँ गई वो? मालूम नहीं, उसने तो मुझे पूछने का मौका भी नहीं दिया। यार अब क्या करें, इतनी रात को अकेले खुदा जाने वो कहाँ जाएगी। बहुत बुरा हुआ यार, अब तो उसकी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली थी। यार एमने आंटी को भी ना सब कुछ इसी वक्त मालूम होना था। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए कहाँ गई होगी इस वक्त। हाँ ढूंढते हैं, अगर कहेगी अकेला छोड़ दो तो छोड़ देंगे। ठीक है, ओके चलो। हाय फरीदे, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मुझे बता जल्दी। मुझे पता होता ये ऐसी निकलेगी, मैं पैदा होते ही इसका गला दबा देती। हैं? मैं गांव किस मुंह से वापस जाऊंगी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आराम से परेशान होने से मसला हल नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब मैं और नहीं संभाल सकती इस लड़की को फरीदे, अब तो बात करनी होगी इसके बाबा को। मैं सारे मामलात बताऊंगी कि तुम्हारी शहजादी बेटी किसी और के नाम पे नौकरी कर रही है। बताना पड़ेगा क्या गुल खिलाए हैं इस लड़की ने। फर्ज करें आपने उन्हें कुछ बता दिया तो वो क्या कहेंगे, उसे कुछ अंदाजा है? मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि वो एक लफ्ज भी नहीं कहेगा इसको, वो कहता नहीं करता है, मेरे और इसके कहीं टुकड़े टुकड़े ना कर दे। आप खुद सोचें, तो मतलब उन्हें बताना बिल्कुल मुनासिब नहीं। अरे तो क्या करूं मैं, हाँ बताना फिर क्या करूं मैं फरीदे। इस लड़की ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, जुर्म, अहमक लड़की है, समझ नहीं रही कि कमबख्त क्या कर बैठी है। ये कोई तरीका था भला, दूसरे के नाम पे नौकरी करना धोखेबाजी है, किसी और का नाम इस्तेमाल करना धोखा नहीं है क्या फरीदे, क्या ये फ्रॉड नहीं है? बताना क्या फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड ना बताना। मुझे नहीं लगता कि ये इतना संगीन मसला है। हाय एक और, उफ। देखें बैठिए बैठिए प्लीज, फ्रॉड है ये फ्रॉड, इधर लाए अपना हाथ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा जुर्म, laftan anlama.